भी आप पिंकी साहिबा की मिमिक्री कह रहे हैं, कभी आप खान साहब की कह रहे हैं, इतनी नफरत है खान साहब से आप। मैं तो हम लोग एक टाइम पे ना वो लोग थे जो अपनी गाड़ियों पे स्टिक, अपनी तनख्वाह के सारे पैसे ना इमरान खान पे लगाते थे। फिर हमें पता लगता है कि एक बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर वाकई तब्दीली लेके आ सकता है। फिर एक टाइम पे उसके बाद पैराशूटर आते हैं, उसके बाद फिर वो रिलीजन का इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर वो इतनी पोलराइजेशन माशरे में क्रिएट कर देता है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो कम अज़ कम इमरान खान का चैप्टर इंक्लूड करें मार्केटिंग के अंदर, नंबर वन। जब से इमरान खान साहब को छोड़ा और आपने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू किया, आपके अपने करीबी दोस्त छोड़ गए होंगे साथी आपको। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इम्मी ने है थाने जाना। तो मैं नवाज शरीफ को चूज करूंगा। क्या रीजन बता दें, क्या वजह? ईमानदार है वो, ऑनेस्ट है? नहीं नहीं, मतलब से वफादार है सर। जी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इंतज़ार बट और आप देख रहे हैं आर पी पॉडकास्ट। हमारे साथ अदील आसफ़ साहब मौजूद हैं जनाब। ट्विटर पे आप इनको देखा होगा, रंगबाजी हूब लगाते हैं जनाब, मिमिक्री हूब करते हैं। आज इनसे हमें मिल गया, हमने इनको पहचाना पहले तो यहाँ पे आ गए, अब इनसे बात करने का इतफाक हुआ, आपसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। अलहमदिल्ला। अदील भाई, जो आपका हम कंटेंट देखते हैं ट्विटर के ऊपर आपने लगाया होता है, कभी आप पिंकी साहिबा की मिमिक्री कह रहे हैं, कभी आप खान साहब की कह रहे हैं, इतनी नफरत है खान साहब से आपको, या क्या वजह? या कोई आपको स्पेशल कोई पैकेज मिलता है आपका महीने का कि आपने ये काम करना है? नहीं नहीं, पैकेज नहीं मिलता, ये मेरा एक अपना पर्सनल कैथारसिस है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है ना, वो एक ख़ास तरीके से मैसेज सुनती है आजकल, तो फिर मैं उस मैसेज को सोचता हूँ कि यार उसको उसका एक स्टायर बनाया जाए, या उसको कोई उसके ऊपर कोई ऐसा गाना बनाया जाए जो गाना भी लोगों ने सुना हो और उसके अंदर लिरिक्स भी ऐसी हों जो एक मैसेज कन्वे कर दें। तो फिर मैं एक मैसेज फ्लोट करता हूँ और वो एक चल पड़ता थोड़ा नहीं सर, ये बाय बर्थ ऐसा है कि हमने देखा कि जो मियाँ मरियम सवाब मियाँ नवाशी साहब के या शबाशी साहब के चाहने वाले हैं वो बाय बर्थ उनके फॉलोअर्स हैं। इमरान खान साहब के हम फॉलोअर्स से पूछते हैं ना, उनकी कोई ना कोई खूबी बयान करते हैं जी, वो ऑनेस्ट हैं, वो ब्रेव हैं, वट एवर जो भी उनकी परसेप्शन है। आपकी किस वजह से आप खान साहब के अगेंस्ट हैं, या क्या वजह है जो आपको लगता है यार ये बंदा जो है ठीक नहीं है, मुझे इसके खिलाफ लोगों को बताना चाहिए, क्या वजह सर? अच्छा जी, ऑनेस्टी के साथ, मैं तो हम लोग एक टाइम पर ना वो लोग थे जो अपनी गाड़ियों पर स्टिक, अपनी तनख्वाह के सारे पैसे ना इमरान खान पे लगाते थे, अपनी गाड़ियाँ पूरी पेंट करवाते थे इमरान खान के ऊपर से। फिर हमें पता लगता है कि एक बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर वाकई तब्दीली लेके आ सकता है, फिर एक टाइम पे उसके बाद पैराशूटर आते हैं, उसके बाद फिर वो रिलीजन का इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर वो इतनी पोलराइजेशन माशरे में क्रिएट कर देता है कि इस टाइम पे मुझे, अब आप देख लीजिएगा कि आपके इस इंटरव्यू के नीचे अगर ट्विटर पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, तो नीचे क्या हालात होंगे। तो आप सर कितने साल खान साहब को फॉलो करते हैं, कितने साल आपका पैशन था आपके, आप गाड़ियों के स्पीकर लगाते रहे, आप भी धरनों में जाते रहे हैं, क्या चीज़ है? धरनों में तो नहीं गया, लेकिन कहीं करीबी खान साहब को पता चलता था तो हम लोग ज़रूर चले जाते थे यार, जाके देखते हैं। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा स्टार है, मैं कहता हूँ ऐसा मार्केटर, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इमरान खान के एरा में पैदा हुआ एज अ मार्केटर, क्योंकि मैं क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग का है, मैं लोगों को मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स बना के देता हूँ, तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान में इमरान खान को देख रहा हूँ। वरना हमें मिसालें दी जाती थी अमेरिका में किसी ब्रांड की, यूरोप में किसी ब्रांड की, लेकिन अब इस बंदे ने सारी मार्केटिंग ना हमें यहीं पर ही सिखा दी प्रैक्टिकल। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो कम अज़ कम इमरान खान का चैप्टर इंक्लूड करें मार्केटिंग के अंदर, नंबर वन, क्योंकि नो डाउट वो ही इज़ लार्जर देन लाइफ ब्रांड, वो बहुत बड़ा, उसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन जब कोई इतना बड़ा बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा हो ना, तो वो क्या डायरेक्शन है, उसके फॉलोअर्स क्या बातें सुन रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है सर। वो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखी है कि खान साहब के ऊपर कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया कि तौबा नाउज़ बिल्लाह जी, लोग खान साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से मिलवा रहे हैं। तो देखिए, हमने भी मैं भी उस जमान पाक में अपने करता हूँ मैं काम, तो मैं जब उनसे पूछा, जादुल साहब से पूछा, फैसल जवेद साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा जनाब अल्लाह हम शाही जानते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन यहाँ पर लोग आकर बात करते हैं कौन नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को पता होता है इस चीज़ के बारे में कि यार लोग उनके पीछे क्या बात करें क्या नहीं? सर आप दूसरा इस्लामिक कार्ड की अगर आप बात करें तो इमरान खान साहब शायद वाहिद है जिन्होंने हक़ुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है। तो आप क्या समझते हैं कि ये वो चीज़ है जो आप कहते हैं कि प्लेइंग कार्ड इस्लाम में? मैं अभी ना एक चैलेंज करता हूँ आपको, एज अ मार्केटर चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी पूरी पढ़ाई को ना आग लगा दूंगा। ना, 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 अगर, नहीं, 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 अगर मैं आपसे ना एक भी बात इधर उधर हो, सिर्फ दुनिया में ना मजहब को यूज किया जाता है, लेकिन कई जगह पर ऐसी हैं जहाँ पर रिलीजन बिल्ड किया गया है। अगर आप मेक्सिको की मिसाल लेना, तो वहाँ पर जो कोका कोला का टिन है ना जी, उसको बोलते हैं खुदा का मशरूब, आप गूगल कर सकते हैं। वो लोग उनको इतना अहमियत देते हैं, वो टिन जाकर रोज़ाना सुबह चढ़ाते हैं कि भाई ये आपका आपका मशरूब है। तो मार्केटिंग में ना हमेशा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी होती हैं। अगर मेक्सिको के अंदर एक टिन को खुदा का मशरूब कहा जाता है कि खुदा ने उतारे इस मशरूब को,
तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने 2018 में, और ये बात जितना भी हमारा लाइक माइंडेड सर्कल है ना, उनको हम ये बता चुके हैं एक एक डेढ़ साल पहले कि ये मार्केटिंग विन है इमरान खान की, कि उन्होंने 2018 में जरताज गुल से बुलवाया कि बारिशों का क्रेडिट मैं इमरान खान को देती हूँ। अब आपकी परसेप्शन में ये बात ना आ जाती है कि यार बारिशों का क्रेडिट इमरान खान, इमरान खान साहब आए तो मौसम भी अच्छा हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया। उसके बाद उमर डार ने बोला नाउज़ बिल्ला हमारे लीडर नबियों की तरह होते हैं, उस्मान डार के भाई ने बोला टी वी पर देखा अभी ईद से पहले। एक सर इससे पहले तो फिर राना सनाउल्ला साहब ने भी बात की, इमरान नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना ऐसे है कि जैसे किसी कंडेमनेबल है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन की स्ट्रेटजीज का पार्ट है। खान साहब तो फिर प्योर मार्केटिंग के जम है ना, खान साहब से बेहतर मार्केटिंग कोई नहीं समझता, पढ़ा भी कोई नहीं समझता, यानी कि उनको पता कि हर बंदे किस किस एंगल पे रख के गेम खेल रहे हैं। ज्यादा मार्केटिंग खान साहब से ज्यादा कनेक्टिंग ब्रांड पोजीशनिंग कोई बंदा नहीं जानता पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब से बेहतर सिर्फ कोई शख्सियत है जिसे हम लोग, जिसपे हम ट्रस्ट करें, रिलाय करें, बताएं आपकी नज़र में कोई है? कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी वीडियोस पर रीट्वीट मारते हैं, तो आप तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कौन सी शख्सियत ऐसी है जिस पर हम एतबार कर सकते हैं। मैं आपको वैसे सच बताऊं ना, मेरा जिस कबीले से ताल्लुक है वो है लेफ्ट का कबीला, और मैं तो चाहता हूँ कि जब तक इंसान खुद नहीं अपना पार्ट प्ले करेगा ना, जो इंसान एक टाइम था 2018 से पहले जी, मैं कहता था मैं बड़ा होके ना पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। अब क्या बनेंगे आप? अब तो हम देख लें सर, हमारा तो फ्यूचर ही नहीं। हम 2018 में जहाँ पर सस्टेन हमने किया हुआ था ना, हम वहीं पर ही है ऑनेस्टी के साथ। हमारे जो पैकेजेस थे, हम जितना कमा रहे थे 2018 में, हम 2022 में भी खान साहब की बदौलत वहीं पर ही खड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एक जो ऑडियंस अभी समझ गई है कुछ, वो तो खान साहब से बहुत ज़्यादा नफरत कर रही है, अपना कथारसिस भी करती है। और हाँ, हर एक को अपना अपना हक देने का आज़ादी होती है, मैंने अपना वो उसकी राय करता हूँ, तो लोग गालियाँ देते हैं। आप अपनी ऑनेस्टी से एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप ये कह सकते हैं कि आपके इमरान खान के अलावा दूसरा शख्स ऐसा है जो पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकता है बाहर? 14 जमातें मिलकर इस मुल्क को निकाल लेंगे आपके मुताबिक? मैं आपको सच बताऊँ, जिन क्राइसिस में इमरान खान ने इस मुल्क को धकेला है ना, वो वही। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जनाब हमें, मुझे जब मुल्क मिला था तब उसके जो है रेमिटेंस बहुत कम थे, मैंने बड़ी मुश्किल से किया। खुद ऑनेस्टी के साथ बताइए ना, क्या 2018 के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी हुई बुरी हुई? सर वो तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर दौरे हुकूमत में मुझे लगता है परवेज मुशर्रफ साहब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, उनके अलावा कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने हमें रिलायबल लाइफ दी। आप ये देख लें कि एक साल हुआ इनको पीडीएम को आया हुआ, और एक साल में कितनी महंगाई हो गई। आप ये देखें कि ये एक साल की आप महंगाई देख लो, और इमरान खान साहब की चार साल की देख लें, तो आप मुआवजना नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग तो आखिरी होप यही है ना कि यार हम लोग इनको वोट देंगे, चलो कुछ ना कुछ, जिस तरह बंदा कुरान पे कसम खा रहा है या का नाबुदों का जिक्र कर रहा है, शायद क्या पता कि वो हमारे लिए बेहतर हो। सर यही तो सबसे खतरनाक बात है ना, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। सर रिलीजन तो मैंने अपनी कब्र में मेरा अपना हिसाब देना है ना, मैंने कि जिन्होंने जिना हाउस जलाया, जिन्होंने बिल्कुल वो नाकाबले माफी लोग हैं वो जनाब, नहीं ये नाकाबले माफी हो, लेकिन आप बताएं खुदा को हिसाब इनका इमरान खान देगा कि इमरान खान के ये लोग अपना हिसाब खुद देंगे? इमरान खान किसी के साथ देने आप अपना वोट किसको कास्ट करेंगे? सर मैं तो ऑनेस्टी के साथ इस टाइम पे ना अभी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रोएक्टिव पाकिस्तान के लिए कोई भी। जब से इमरान खान साहब को छोड़ा है और आपने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू किया, आपके अपने करीबी दोस्त तो छोड़ गए होंगे साथ ही आपको? नहीं, कितना लॉस किया अभी आपने? मैंने सर रिश्तेदारी में ऑनेस्टी के साथ बताता हूं, मैंने बहुत फाइनेंशियल लॉस किया इमरान खान, फाइनेंशियल के अलावा बहुत ज्यादा रिलेटिव्स रिलेशंस को आपने लॉस किया। उन लोगों के जो पाकिस्तान तरीके से आपके फॉलोअर्स हैं वो 1996 लेकर टिल नाउ तो अभी तक सेम के सेम है। क्या आपने किसी को दिल दुखाया, किसी ने आपका दिल दुखाया, आपको छोड़ दिया? नहीं यार, तू बंदा ही ठीक नहीं है, तू बंदा ही दो नंबर निकल जाता। आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने फाइनेंशियली लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जो जिन हम ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर, उनके उन्होंने कहा कि जी इसको नहीं अकाउंट देना, तो मेरा सबसे पहला अकाउंट एक छिना था मेरे हाथ से 2019 के अंदर, और सिर्फ इस वजह से गया था कि यार ये एंटी इमरान खान है तो इसको काम नहीं देना। सर मार्केटिंग वाला बंदा तो जनाब कहते हैं कि अपने वालदैन से ही पैसे दिए वगैरह काम नहीं करता, उनका काम मार्केटिंग है ना, चीज़ को मार्केटिंग करना। तो क्या मरियम नवाज़ साहिबा या मौलाना फजलुर्रहमान या जरदारी साहब में से कोई भी सियासी जमात आपको सपोर्ट करती है कि जनाब आप काम करें, आपके फाइनेंशियल जो घर के मामला था हम देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे इमरान खान के खिलाफ वीडियोस पे वीडियोस बनाते जाएं? ये आपको ऑनेस्टी के साथ एक बात बताऊँ, ये लोग ना एक रुपया भी नहीं देते किसी को, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं नून लीग के बारे में। तो हमें तो अभी छोटे छोटे साफी है, बॉन्ड बेबी है, हमें तो ये सुना बड़ों से कि जनाब जो उनको घर मिलने भी जाए तो जनाब वो हालियत वापस नहीं आता। जैसे दाता दरबार भी आपको नमक लाजमी मिलता है उनके, माशाल्लाह वहाँ पे जाकर लंगर मिलता है, दाल चावल मिलते हैं वहाँ पे जाकर उनके घर, वहाँ पे जाकर आपको भी मिलता है। यही तो परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको जिस मर्जी कितनी दफ़ा मुलाकात हुई आपकी मरियम साहिबा से भी अभी तक जिंदगी में? मुलाकात तो नहीं, लेकिन इंटरेक्शन होता रहता है आमने सामने कई दफ़ा, लेकिन खास तो नहीं हो सकता, नहीं मुलाकात हुई। इस तरह तो खान साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा हुई है, खान साहब से बल्कि मुलाकात हुई भी है पर्सन, खान साहब से हुई भी है, इन लोगों से उस तरीके से नहीं हुई भी। लेकिन जहाँ तक पैसों की बात है ना, ना ये सपोर्ट करते हैं और ना ही किसी को देते हैं, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और इसी वजह से ये सोशल मीडिया के पीछे है, यही वजह इनकी। यानी कि अगर वो आपको पैसे देते तो शायद वो आप उनके साथ होते भी
आपके ये बात तो मैं बड़े कंफर्मेशन से बता सकता हूँ, बल्कि आप ये दोस्त इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि वो लोग अगर ऑफर भी कर देना तो अब जो हालात है ना इस माशरे के, तो हम लोग को खुद अपनी बेटरमेंट के लिए फिर हमने एक एजेंडे पे बात करने लग जाते हैं जब पैसे लेते हैं, तो मैं खास स्पेसिफिक एजेंडे पे बात करते हैं। भी आप मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम इस ग्रुप के साथ हो, इस ग्रुप के साथ हो। मैं तो कह रहा हूँ कि जी मेरा तो दिल चाहता है जो गरीब सो रहे हैं ना, हाँ। इस मुल्क में 90% जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनका कंसर्न सोशल मीडिया से नहीं है, ये लाहौर कराची इस्लामाबाद पाकिस्तान नहीं है सर, चीचा वतनी जाएँ सर, गाँव है, टी वी नहीं है लोगों के पास, उनको एक टाइम का अनाज नहीं है उनके पास, तो ज़िंदगी तो उनकी है ना, उनको तो नहीं पता है सर। आखिर में अपना ट्रेडमार्क स्लोगन जो आप एक लाइन है जो हम सुनते आते हैं हर जगह पर, तरह हमारे नाज़रीन को सुनाए। मैं आपको अभी मैंने सोचा था एक गाना करने का, लेकिन एक सर वैसे आपके अभी माशाल्लाह बहुत फॉलोअर्स हैं, अगर आपने कभी सोचे नहीं कि हान साहब के हाथ में कुछ बनाऊं तो शायद फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएं, क्योंकि जो बंदा भी जो है हान साहब के साथ खड़ा होता है लोग उनको बड़ा सोशल मीडिया पे खासकर बड़ा पसंद करते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूँ, इसके लिए एक अभी बंदा है बड़ा पाकिस्तान का, इमरान खान के बाद का बड़ा सोशल मीडिया पर बंदा है, आजकल जेल में पकड़ा गया है, गायब है। मुझे कई दफ़ा कहा गया कि यार साइड चेंज कर, साइड चेंज कर, तो तुम्हारी 12,000 रीट्वीट होंगी एक एक गाने के ऊपर, साइड चेंज करनी है बस थोड़ी सी। तो जो कुर्बानियाँ हमने भी दी है ना, वो भी अंदाज़ा नहीं है, साइड चेंज नहीं किया आज तक कभी भी, जो अपने दिल में यार वही निकालना फील तो उसी में जनरेट होगी। सर आखिर में कुछ ट्रेडमार्क अपना कुछ सुनाया है। एक मेरा गाना था अभी रिसेंटली, आज अभी उसके बारे में बात हो रही थी, तो मेरा नहीं होता ये, किसी का गाना होता और मैं उसके जज्बात अपने प्लेटफॉर्म पे आप बयान करते हैं। अच्छा वो है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, इम्मी ने है थाने जाना, और अभी ट्वीट आई है उनकी कि वो दोबारा जा रहे हैं आने, तो देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। सर हम ये दुआ करेंगे कि अगर इमरान खान साहब देते हैं तो वो आए लाजमी, अगर मियां साहब देते हैं तो वो लाजमी। सर सच एक बात बताऊँ आपको, देखें एक प्रेजेंटेशन होती है, वो प्रेजेंटेशन में आपको 3-4 लोग दे दिए गए हैं, आप खुद क्यों नहीं प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनते, आप खुद क्यों नहीं बीच में आते, आप क्यों नहीं कहते कि मुझे वोट दो मैं मुल्क ठीक कर सकता हूँ। क्या खुदा आपको 70 माओ का प्यार नहीं करता, मुझे ही 70 माओ का प्यार कर रहा है, इमरान खान को 140 माओ का प्यार कर रहा है, नवाज शरीफ को 200 माओ का प्यार कर रहा है, नवाज शरीफ 3 दफ़े इस मुल्क का वजीर अजम बना, इमरान खान 1 दफ़ा बना, तो ये खुदा जो है वो हम सबसे ही प्यार करता है, मौका फिर किसी किसी को मिलता है। सर आखिरी क्वेश्चन है, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब किसी एक को चूज़ करना पड़े आपको तो किसे चूज़ करना? सर अभी अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं बगैर सोचे समझे नवाज शरीफ को चूज़ करूँगा, अगर अभी की सिचुएशन में जो हालात हुए हैं इस मुल्क के, तो मैं नवाज शरीफ को चूज़ करूँगा। क्या क्या एक रीज़न बता दें, क्या वजह, ईमानदार है वो? नहीं सर मैं ऑनेस्ट है, नहीं नहीं मतलब वफादार है सर, ये आप कह सकते हैं सर, ये आप कह सकते हैं सर, देखिए जो ये बात ना आप हमें भी आज तक वो यकीन माने पाकिस्तान आर्मी को वाहद इदारा है कि हम इसको जान भी दे सकते हैं, क्योंकि बचपन से हमें मोहब्बत सिखाई गई है, लेकिन हमें मियाँ साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब उन्होंने कहा था जनाब के कारगिल के अंदर छूड़ा पाकिस्तानी फौज ने इंडिया फौज पर घोंपा था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान फौज के साथ वफादार है, पाकिस्तान के साथ वफादार है? मैं आपको देखें फॉर द टाइम बींग ना, बहुत से लोग ना जो छोटी अपॉर्चुनिटीज होती है ना उसकी तरफ जाते हैं, जो बेस्ट सोल्यूशन मिल रहा होता है मियाँ साहब भी जा सकते हैं उनकी साइड पर, लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन नहीं थी, अदब बहुत ज़्यादा था। आज 18 साल का बच्चा कहता है मेरे पास सियासी नॉलेज है और वो आपको गंदी गलीज गालियाँ भी दे सकता है, आपके माँ बाप की, मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, मैं इंटरनेट पे देख नहीं सकता कहाँ से तस्वीरें ढूंढी हैं और उनको मिलाइन करते हैं डिफरेंट, कभी जानवरों पे लगाते हैं, मुझे कभी किसी जानवर पे लगा देते हैं, किसी तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन ये टाइम हमने 2018 से पहले बिल्कुल नहीं देखा था। जो पोलराइजेशन क्रिएट कर दी है ना, अब ये इसको सिर्फ खान साहब खुद ख़त्म कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, खान साहब बुशरा मानिका साहिबा को पकड़ें, बस खान साहब बुशरा साहिबा को पकड़े और अदालत में जाएं और वहाँ पर जाके लीडर बने, भगत सिंह बने। चलिए यहाँ पे फिर आप एक बात ये भी क्लियर करें ना हमारे प्लेटफॉर्म से कि इमरान खान साहब ठीक है जी बुशरा साहिबा को लेके आए हाई कोर्ट के अंदर, जो भी उनके ऊपर करप्शन है वो पेश करें, और दूसरी जानब जो 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 बड़ा हुकूमत है जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे वो भी पेश करें। 100% वो लोग क्यों नहीं पेश करते भाई? मुझे मियां मोहम्मद नवाज़ी साहब 50 रुपये के आम के ऊपर बाहर जा चुके हैं, आपने पकड़ा तो मैंने पकड़ना था, हम तो चाहे तो आवाज़ ही उठा सकते हैं ना सर, इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? ये तो आवाज़ ही उठा सकते थे ना, ये कर सकते थे ना 2018 में, जो लोग इनके पीछे इनके लगे हुए थे जो कह रहे थे ये कर देंगे, ये आके खामोश होकर बैठ गए, 12 बजे एयरपोर्ट उनके हमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं 50 रुपये में हेलीकॉप्टर लाना। तो सर जो एक खास कम्युनिटी थी इमरान खान साहब के साथ, जो इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने जिंदगी के 18 साल अपनी पढ़ाई में गुजारे। चले अदील भाई अजानों का टाइम है, आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के सामने के, अगर मियाँ साहब भी आपको कहीं गलत नजर आएंगे तो आप उनके खिलाफ भी वीडियो बनाएंगे, अगर आपको पता है आप तो किसी से पैसे नहीं लेते ना, आप तो मुल्क से के लिए मोहब्बत करते ना, तो आप कसम खाएं यहाँ पे अगर आपको मियाँ साहब की गलती को नजर आएगी तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर उनको भी एक्सपोज करेंगे। आपको कॉल करके आपके साथ नहीं नहीं आप बताएं ना हमारे कि आप एक्सपोज करेंगे उनको। 100% करूंगा सर, कोई अगर ऐसी बात हुई तो फिर हम आपको भी फॉलो करेंगे। लिटरली बताऊँ इस टाइम पे ये अजानें हो रही हैं, लेकिन दुख पता किस बात को था, लोग सर मर गए सर, लोग भूख से मर गए और हर एक ने ही रगड़ा दिया सर जिसका दिल